हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कब लोग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम प्यार से। रात से शाम हो चुकी है, करीबन 8 या 8:30 का टाइम हो गया है। तो ऐसे ही मन कर रहा था, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है तो मन कर रहा था। ऐसे बारिश हुई नहीं आज, ये आपका वैसे जबरदस्ती का मन कर रहा है? सुबह सुबह। अच्छा। तो मन कर रहा था हमारा पनीर टिक्का खाने का, मतलब मेरा कई दिन से। और मैं इनको कई दिन से बोल रही हूँ कि बना दो, पर ये है कि बना नहीं रहे। दो दिन से पीछे पड़े, दो दिन बाद आज जाके पनीर टिक्का फिलहाल बनने जा रहा है। तो कैसे कैसे हम शाम का लुत्फ उठाते हैं आपको भी दिखाएंगे। प्रोसीजर मैंने शुरू कर दिया है। प्याज तो सबसे पहले मैंने प्याज काटना शुरू किया है। जैसे जैसे आगे जो रहेगा प्रोसीजर साथ के साथ दिखाऊंगी आपको, बताते जाएंगे। ये हमारी स्टिक जो है, इसको एक बार यूज किया था। जो हमारे लास्ट व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि हम घूमने गए थे, तो तब हमने इसको एक बार यूज किया था। तो अभी इसको इनको भी धुल लेती हूँ। अमित जी प्याज को थोड़ा स्टाइल में काट। भाई भी आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, उसका वेट हो रहा है। और थोड़ी सी चीजें रेडी हो गई हैं, कुछ चीजें अभी आनी बाकी हैं। तो जैसे ही सारी चीजें रेडी कर लेते हूं, साथ के साथ दिखाते हूं। हाँ। ये देखो भाई, ये हो गया हमारा पनीर रेडी कट के। ये सारी चीजें हो गई। और कुछ खाना है? आलू और कुछ पेठा, कुछ भी खाना तो डालो इसमें, वो भी खिला देंगे फ्राई करके। दुनिया पनीर टिक्का बना दे, पेठा फ्राई कर देंगे आपका। हैं? मुझे पेठा फ्राई नहीं करवाना है। देख लो, अच्छा बनेगा एकदम मीठा। चीनी डाल देंगे उसमें। नो। यहाँ पे ये कोयले में लगाई जा रही है आग, मतलब इसको स्टार्ट किया जा रहा है इसी पे ही रख के। ये आ गई है दही। अब दही को पूरा अच्छे से, अमित जी आप करो, मैं एक हाथ से शूट भी कर रही हूँ, ऐसे भी हो नहीं रहा है। थोड़ी हेल्प करो आप। ले उसको भी करता हूँ। दही को अच्छे से फेंटना, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बता देंगे आगे की कार्रवाई। वो डालो इसमें क्या? सारे नमक के स्कूल थे क्या? मसाले बाद में डालेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से ज़्यादा गाढ़ा है, इसको पतला करना चाहिए हमें। करेंगे करेंगे, पहले मिक्स करो अच्छे से। बस हो गया मिक्स? और कैसे मिक्स? अभी नहीं हुआ है। हो चुका है ये? नहीं। ये देखें जी, ये हमारा घोल हो चुका है रेडी। इसमें इन्होंने थोड़ा सा, ये थोड़ा मतलब क्योंकि टॉर्च जल रही है ना, तो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये पूरा येलो है। ये देखो, इसमें इन्होंने थोड़ा सा ऑयल भी मिला दिया है। और अब ये करने वाले हैं प्रोसीजर स्टार्ट। तो जो हमारे हलवाई साहब हो गए हैं रेडी। ये देखिए, ये इधर पनीर और ये इधर इन्होंने ये क्या बोलते हैं इसको, अमित जी, स्टिक में डालना शुरू कर दिया है। डालो डालो फटाफट। हैं, मैं डालूं? हाँ, तो मैं बाहर कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो भैया एक तो आपको डाल के दिखा दिया, बाकी वाला डाल के दिखाते हैं। कई दिन से बाहर था भाई, और आज आया हूँ घर पे अभी। तो आके देखा, पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा है इन्होंने बाहर। लेके चलते हैं बाहर। आते ड्यूटी लगा दी मेरी, देखो मटेरियल रेडी कर रखा है। बाकी छत ऊपर पंखा भी चल रहा है, और मैं तो इन्हें तोड़ कर रखूँगा। ये भिड़ गया था, वीडियो में आऊँगा उन्हें दिख रहा। तो यहाँ बैठी हुई मैडम आ गए, और मोहित भाई भी, मोहित की ड्यूटी लगा दी अब बनेगी बात। तो अभी ये वाले जला रहे हैं, जब ये जल जाएंगे फिर हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। चीज़ें हमने सारी रेडी कर ली है। मोहित ये किस खुशी में बना रहे हैं बता दो, दे क्या गुड न्यूज है? मेरी शादी की। अच्छा, फिक्स होगी? फिक्स होगी पक्का, देख ले। बाहर होटल में जाके खिलाता तो फिर यहाँ क्यों पसीने पसीने का रखता है? ये एकदम से लाइट भी जा चुकी है हमारी, वो एक मिनट में आ जाती है वैसे। बाकी सच्चाई यह है, डेढ़ मिनट भी लाग सके।
अब माहौल बना है अच्छा कैमरे के हिसाब से, अभी अच्छा माहौल बना है। इकट्ठे करते हैं जल गए ना। बेला जला दे तू थोड़े। चल रहा है स्टार्ट कर दिया हमने, ये वाला रख दिया है। मेरा फोन ना पिघल जाए बस। ये लो भाई, ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना अमित जी, मतलब मेरे तो बिल्कुल ही मुंह में पानी आ गया, इतना अच्छा लग रहा है। गर्मी में उससे भी मस्त लग रहा है पता आपको। ये देखिए गाइस मतलब कहां कहां से पसीने निकल रहे हैं ना, आदमी बता नहीं सकता मतलब। ये हमारे पिया जी, अभी तो ये वाली स्टिक रहती है और भी रहता है। अब ये आ गए हैं, इनको जाली पे कर दिया है क्योंकि अब हल्के से ये हो गए थे। और अगर आप लोग कभी भी बनाओ, क्योंकि पनीर ये देखो हमारा एक टुकड़ा अगर आप लोगों को नीचे दिख रहा है तो नीचे गिर जाएगा, तो ऐसे नहीं करना। फिर जाली करके थोड़ा सा सेक के फिर जाली के ऊपर फिर ऐसे सेकना है ताकि आपका पनीर भी नीचे नहीं गिरेगा, है ना जी। और मोहित तो अनार ले आया है, जाली नहीं हो तो थोड़ा सा मतलब ध्यान करके। ये देखिए आए रे, ओए होए ये तो जली गया मिर्ची, ज्यादा हो गया। सारे जने एक चीज सच सच बताना, किसका देख के बिल्कुल ऐसे खाने का मन कर गया। ये देखिए ना ना दे दिए, बात करा दिए, किस किस के मुंह में पानी आ चुका है और कौन कौन ट्राई करेगा देख के। ऐसे करके ऐसे कर देते हैं बिल्कुल एकदम कचड़ 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 ठीक है जी। ये लो जी, आगे लगाओ जी। ओ ये आगे मैं लगाऊंगी ये। हां और ना कौन लगाऊंगा, ऐसे तो टूट जाएंगे, ऐसे ही खाने का मजा नहीं आएगा क्या। ना ना ऐसे खाने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप क्या करने, ये कुछ और करने वाले होंगे मुझे पता चल गया। नहीं और कुछ क्या करना है, इसमें चीज डाल दी है, चीज बर्गर चीज बहुत ज्यादा स्पाइसी है, बहुत ज्यादा स्पाइसी। तभी तो कम खाओगे। कैसा बना है? एक नंबर। बाकी ये जल जाएगा, इसको पलट लो, ये दोबारा से इसको बना रही है। एक नंबर है, जैसे मैं बाहर खा के आती हूँ ना बिल्कुल वैसा। हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक शॉपिंग पेज, जहाँ से मुझे सुंदर सा सूट रिसीव हुआ है। पूरा गाउन टाइप में सूट है, पूरा हैवी लुक दे रहा है और पूरा नेक पे वर्क है। साथ में फिटिंग के लिए ये बेल्ट भी दिया है, हल्का फुल्का अगर लूज होता है तो ये फिटिंग के लिए भी है। चुन्नी पूरा फ्रिल वाली है, ये देखिए आप। सो पूरा पार्टी वेयर सूट है। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं नीचे पेज का नाम मेंशन कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे पेज है मानसी कलेक्शन करके, मैं पेज का नाम मेंशन कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे जाइए, इनको DM कीजिए, पेज अच्छा लगे तो इनको फॉलो भी कीजिएगा और मेरे जैसा सुंदर सा सूट ऑर्डर कीजिएगा। तो गाइस कुछ ऐसा सा है इसका फाइनल लुक। क्या खुशबू है ना, मतलब जैसे बिल्कुल हम रेस्टोरेंट में खा के आते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट है। तो बरसात के मौसम में जिस दिन ठंडा मौसम हो, आज तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो जिस दिन ठंडा मौसम हो उस दिन ज़रूर ट्राई करें। और यार मेरे को ना चूल्हे पे बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो कौन कौन चाह रहा है कि मैं चूल्हे पे व्लॉग बनाऊँ, मतलब नेक्स्ट व्लॉग चूल्हे वाला, और क्या बनाऊँ वो कमेंट डाउन करके मेरे को ज़रूर बताना। जो जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे ना 100% मैं वही बनाऊँगी। ये अभी और भी है वाइज खा लिया हो गए फ्री, और अभी ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं रोटी बनाऊं मतलब खाए या नहीं खाए वो सिचुएशन हो रही है। तो अभी तो भूख है नहीं फिलहाल के लिए, बाकी का फिर देखेंगे। और आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग मेरा, छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लेना। और नेक्स्ट चूल्हे पे कौन सी वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं वही बनाऊँगी। इस व्लॉग को करते हैं एंड, बाय बाय।